आज हम 5 इंच की पटिया ली है, सभी पटिया साड़ी की ली गई है। एक हिस्से पर सब कितना टेस्ट कर देते हैं। जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उसके अनुसार एक रस्सी छोड़ देते हैं, लगभग 1 फुट की रस्सी को छोड़ देते हैं। इस पर नोट लगाएंगे। आज हम अंडाकार साइज का एक डोरमेट बनाएंगे। यहाँ पर एक नोट लगा देते हैं। एक नई डिजाइन का डोरमेट बना के दिखाएंगे आपको। इस नोट के अंदर से एक नोट और लगाएंगे। इस प्रकार से नोट लगा देते हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगाएंगे। इस प्रकार से पट्टी को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से लूप के अंदर से पट्टी को निकालते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से पट्टी को पकड़ते हैं और सेफ्टी पिन निकालते हैं। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक नोट लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट लगा चुके हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। बहुत ही सुंदर एक रस्सी की गुथाई हो जाती है। आज हम आपको एक नया डोरमेट बनाना सिखाएंगे, नई डिजाइन का। इस प्रकार से डोरमेट टोटन कर देते हैं पट्टी को, रस्सी को। इस रस्सी को, बची हुई रस्सी को इधर ले आते हैं। इस गैप वाले स्थान पर इस फंदे में, एक फंदे में एक नोट और लगाएंगे। नोट के अंदर नोट एक और लगानी है। इस प्रकार से लूप के अंदर से रस्सी को फेंसना है। इस फंदे में एक लूप और निकालनी है।
एक अंडाकार साइज का डोरमेट बना रहे हैं। इस गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से पट्टी को पकड़ते हैं और यहाँ पर सेफ्टी पिन निकालकर रस्सी को खींच लेते हैं। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे गैप वाले स्थान पर। इस प्रकार से यहां से यहां तक नोट लगाएंगे। यहां से यहां तक नोट लगा चुके हैं। अब हम डोरमेट में गोलाई बनाने के लिए अब लास्ट में जो शुरू में हम एक लूप बनाई थी शुरू में उस लूप के अंदर से सेफ्टी पिन निकालेंगे। और नोट के अंदर से एक नोट और लगाएंगे इस प्रकार से। अब इस गोलाई में गोलाई बनाने के लिए इस लूप के अंदर से एक नोट और लगाएंगे। नोट के अंदर से एक नोट और निकालेंगे। इस प्रकार से पट्टी को पकड़ते हैं। इस प्रकार से इस गैप वाले स्थान पर एक फंदे में एक फंदा और निकालेंगे। और नोट के अंदर से नोट और निकालेंगे एक। अब अगले फंदे में से एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से
डोरमेट में गोलाई बन जाती है। और अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए दो तीन राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक नई डिजाइन का डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।